ओके स्टूडेंट्स, वी आर स्टार्टिंग नाउ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, रब इशराह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व हलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टूडेंट्स, हम अपना जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था वेक्टर्स। मैं एक रिव्यू दे देता हूँ उन बच्चों के लिए जो हमारे साथ नहीं थे पिछली क्लासेस में। वेक्टर्स में बच्चों हमने पढ़ा था कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। सबसे पहली चीज हमने देखी वेक्टर क्वांटिटीज क्या चीज होती है, फिर हमने देखा उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, और फिर हमने देखा कि वेक्टर्स अगर एक से ज्यादा हों तो उनको ऐड कैसे किया जाता है। ऐड करने की ज़रूरत बच्चों क्यों पेश आएगी? मिसाल के तौर पे जैसे हमें पता है फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक बॉक्स पे एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, इन फोर्सेस की वजह से बच्चों इस बॉक्स पे जो कंबाइन इफेक्ट आएगा, कंबाइन रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो हमें पता चलेगा जब हम इन तीन वैक्टर्स को आपस में ऐड करेंगे, ठीक है, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। और हमने डिसाइड किया था कि हमने एक चीज ऑब्जर्व की थी कि जिस तरीके से हम सिंपल नंबर्स ऐड करते हैं, इनका सिंपली मैग्नीट्यूड ऐड हो जाता है, ये होता है स्केलर्स में। वेक्टर्स में बच्चों ऐसा नहीं हो सकता। वेक्टर के अंदर अगर एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 3 न्यूटन और एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 न्यूटन तो आंसर में 7 आया नहीं है, कैसा होगा? ये सिंपल अरिथमेटिक एडिशन से वेक्टर ऐड नहीं होते, इसलिए बच्चों हमने एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़ी। एडिशन ऑफ लोगों ने एडिशन ऑफ वेक्टर के लिए बच्चों तीन केसेस हमने अपनी आसानी के लिए बनाए। बच्चों देर आर 3 केसेस इन विच वी आर डिवाइडिंग द एडिशन ऑफ वेक्टर। नंबर वन, कोई बता सकता है पहला पहला क्या था, पहली डिवीजन क्या थी? सबसे पहले बच्चों हमने बोला कि अगर वेक्टर पैरेलल हो, नंबर टू हमारे पास जो केस है वो ऐसे वेक्टर्स को ऐड करेंगे हम जो कि कैसे होंगे बच्चों, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर स्पेलिंग में पूरी नहीं लिख पा रहे इसलिए मैंने आगे डैश बना दिया। और थर्ड हमारे पास केस है, वेरी गुड बुशरा, बुशरा तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से ऑनलाइन क्लास फॉलो कर रही है। जब वेक्टर्स रैंडम हो बेटा, मैं फर्क समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पे अगर वेक्टर्स ऐसे हैं या ऐसे हैं तो बच्चों ये दोनों केस में वेक्टर कहलाएंगे पैरेलल। अब फर्स्ट केस में क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और सेकंड केस में क्या है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन ये है पैरेलल। ये ऐसे भी हो सकते थे तब भी पैरेलल होंगे, ये ऐसे भी हो सकते थे तब भी ये पैरेलल काउंट होंगे। अगर सेम डायरेक्शन में है तो सिंपली हम इनको बच्चों ऐड कर देंगे जैसे मैथ्स में ऐड करते हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन में तो सिंपली क्या कर देंगे, इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और डायरेक्शन जो आएगी वो बड़े वाले वेक्टर में आएगी। मिसाल के तौर पे मैं इसकी एग्जांपल्स आपको रिव्यू करवा देता हूँ। एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन और एक और फोर्स लग रही है
3 न्यूटन। तो इनको ऐड कैसे करेंगे, क्योंकि हमने देख लिया ये वेक्टर की एडिशन का पहला केस है, यानी कि पैरेलल वेक्टर है। पैरेलल क्यों है, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 5 न्यूटन और 3 न्यूटन को ऐड कर देंगे और आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 8 न्यूटन। अब रही बात डायरेक्शन की, तो पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट। दूसरा वाले वेक्टर की भी डायरेक्शन क्या थी, ईस्ट। तो जो इनका रिजल्ट आएगा बच्चों, उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट होगी। एक और केस देख लेते हैं। एक बॉक्स है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है 5 न्यूटन और एक फोर्स लग रही है 4 न्यूटन, लेकिन ये ऑपोजिट डायरेक्शन में। मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं बना पा रहा बच्चों, लेकिन आप इसको अज्यूम करें कि ये ऑपोजिट है, ठीक है। अब क्या होगा, अभी भी ये पहला केस है क्योंकि वेक्टर्स पैरेलल हैं, लेकिन अब ये सेम डायरेक्शन में नहीं है बल्कि ऑपोजिट डायरेक्शन में बच्चों। तो हम बड़े वेक्टर में से, वेरी गुड फाइट, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1 न्यूटन। लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया कि डायरेक्शन बड़े वाले वेक्टर में, बड़ा वाला वेक्टर जा रहा है बच्चों ईस्ट में और छोटा वाला वेक्टर जा रहा था वेस्ट में। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, ईस्ट होगी या वेस्ट होगी, यानी कि बॉक्स कौन सी डायरेक्शन में जाए, ये बॉक्स जो मूव होगा, वेरी गुड फाइक। और कोई बताया मुझे, शाबाश बुशरा, शाबाश, ये बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक बात क्लियर करता चलूं कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल को पैरेलल नहीं बोलते बच्चों, अगर दो वर्टिकल हैं तब भी ये पैरेलल काउंट होंगे। इसी तरीके से अगर दोनों ऐसे हैं तब भी बच्चों पैरेलल काउंट होंगे। इत्तफाक की बात है कि हमें जो क्वेश्चंस मिलेंगे ना वो सारे इस तरीके के, लेकिन मैंने आपको एक चीज़ क्लियर कर दी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऐसा। आप बोल रहे होंगे सर ये पता नहीं क्या एरोस बनाते जा रहे हैं, बच्चों हमने शुरू में डिसाइड कर लिया था कि किसी भी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो की मदद से। ये आपने बिल्कुल एरो से इसकी टेल को ज्वाइन करना है। इस एरो के अंदर बच्चों यहां से लेके यहां तक ये पूरी इसकी टेल है। अच्छा, बुक्स में लिखा हुआ है कि इसकी टेल सिर्फ इसको कहते हैं, इस पार्ट को कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पूरी इसकी टेल है, यहां से लेके इस कोने तक। और टेल क्या बताती है बच्चों, टेल हमें वेक्टर का क्या बताती है, मैग्नीट्यूड। और ये जो इसका हेड है बच्चों, ये हमें क्या चीज शो करता है, डायरेक्शन। हेड हमें क्या बताता है, हेड हमें बताता है बच्चों डायरेक्शन। अब ये हेड डायरेक्शन क्या और मैग्नीट्यूड क्या है, इसको भी रिव्यू करवा देता हूँ, इसको भी रिव्यू करवा देता हूँ बच्चों। हमारे पास जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, उनके पास दो चीजें होती हैं, उनके पास होता है मैग्नीट्यूड along with the suitable unit, जैसे कि time एक scalar quantity है, आपको time बताया जाता है 3 minutes, इसमें magnitude और minutes क्या है बच्चों, unit, clear हुआ। इसी तरीके से distance, distance not displacement, distance एक vector quantity है 4 किलोमीटर, इसमें 4 क्या है बच्चों, मैग्नीट्यूड, और किलोमीटर क्या है, यूनिट। इसका मतलब है मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट तो होगा ही होगा, कोई आपको ये नहीं बोलेगा मैं 4 चलाऊं, वो तो बोलेगा मैं 4 स्टेप्स चलाऊं, 4 मीटर्स चलाऊं, 4 किलोमीटर चलाऊं, है ना, 4 यार्ड्स चलाऊं,
कुछ ना कुछ यूनिट साथ लगा के बताएगा, सिर्फ यूनिट भी नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड भी नहीं होगा। इट मीन्स दीज टू थिंग्स गोज टुगेदर, ये तो होंगी ही होंगी, लेकिन इसके अलावा भी कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको हम वेक्टर्स बोलते हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज हैं वेक्टर क्वांटिटीज, जिनके पास क्या क्या होता है बच्चों, मैग्नीट्यूड, यूनिट और DIR मीन्स डायरेक्शन। DIR का क्या मतलब है? डायरेक्शन, जैसे कि फोर्स, फोर्स में मैग्नीट्यूड बता दिया 5 न्यूटन ईस्ट, क्योंकि जब तक हम बेटा डायरेक्शन नहीं बताएंगे हम फोर्स कैसे अप्लाई करेंगे, यानी कि फोर्स एक ऐसी क्वांटिटी है वो कम्प्लीटली डिफाइंड नहीं है बगैर डायरेक्शन। अगर हमें किसी को फोर्स की क्वांटिटी के मुतालिक बताना है तो हमें उसको क्या भी बतानी होगी बच्चों, डायरेक्शन भी बतानी होगी। इसी तरीके से डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क ये है कि डिस्टेंस होता है स्केलर और डिस्प्लेसमेंट होता है वेक्टर। मिसाल के तौर पे 4 किलोमीटर साउथ, अब क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी इन्वॉल्व हो रही है इसका मतलब है डिस्टेंस नहीं बताया, ये हमने क्या बताई है, डिस्प्लेसमेंट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स स्पीड और वेलोसिटी में भी यही फर्क होता है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती यानी कि वो स्केलर होती है और वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब बहुत सारी क्वांटिटीज वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज की खास बात क्या होती है, उनके पास डायरेक्शन होती है, क्योंकि मैग्नीट्यूड और यूनिट ये तो स्केलर क्वांटिटीज के पास भी होता है। फिर हमने देखा था कि हम वेक्टर्स को शो करने के लिए मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन को शो करने के लिए एरो की मदद लेंगे, जिसके अंदर टेल जो है वो मैग्नीट्यूड बताएगी, जिसके साथ यूनिट भी होगा, ये होगा लाजमी सी बात है, और जो बच्चों का हेड है वो क्या शो करेगा, वो शो करेगा डायरेक्शन जो कि वेक्टर के पास होती है। ये हमने सब चीज़ें अब क्लियर कर ली, दोबारा रिव्यू करनी, आई होप अब किसी स्टूडेंट को उसका मसला नहीं होगा। फिर हमने देखी एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर का पहला केस कौन सा था, जब वेक्टर पैरेलल हो, जब वेक्टर पैरेलल हो यानी कि सेम या ऑपोजिट, एग्जैक्टली सेम या एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उनको सिंपली एड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मैथ्स की तरह ही कर सकते हैं। दूसरा केस क्या है बच्चों, कि वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब है बच्चों एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है, जब आप इनको मिलाओगे तो इनके बीच में बच्चों एंगल आएगा 90 डिग्री। और हमने कहा था हम ये रैंडम वाला केस, परपेंडिकुलर वाला केस बाद में पढ़ेंगे, हम पहले समझेंगे रैंडम, जब वेक्टर्स रैंडम डायरेक्शन में तो क्या होगा, जब वेक्टर्स रैंडम डायरेक्शन में होंगे बच्चों इसका मतलब है एक यहाँ जा रहा है, एक यहाँ जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, और हर कोई ना पैरेलल है ना परपेंडिकुलर है बल्कि किसी अलग ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, ये है वेक्टर सी। इफ समवन आस्क यू टू ऐड दीज वेक्टर, अब हम पहला केस भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि ये पैरेलल नहीं है, हम दूसरा केस भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि तीनों परपेंडिकुलर भी नहीं है, इसलिए हमें थर्ड यानी कि रैंडम वाला केस अप्लाई करना पड़ेगा, जिसके अंदर बच्चों हम कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, हम मेथड अप्लाई करते हैं, उस मेथड का नाम है हेड टू टेल रूल। आपकी बुक में इसकी पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है बच्चों, और वही डिस्क्रिप्शन मैं आपको समझा भी रहा हूँ, ठीक है। हेड टू टेल रूल, इसको हेड टू टेल रूल क्यों कहते हैं, मिसाल के तौर पे दिस इज द फर्स्ट वेक्टर, दिस इज द सेकंड वेक्टर एंड दिस इज द थर्ड वेक्टर एंड यू हैव टू ऐड दीज वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम कोई सा भी एक वेक्टर सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने फर्स्ट वेक्टर, इसका सॉल्यूशन देखो कैसे हो, ये क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, हम कोई एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे, यहाँ से अपना एक पहला वेक्टर बनाना शुरू करेंगे, और कोई सा भी वेक्टर ले लो आपकी मर्जी है, आप कोई सा भी वेक्टर ले सकते हैं आपकी मर्जी है, ठीक है। लेट से मैंने पहला वेक्टर ले लिया, अब जहाँ ये जा रहा है, जहाँ ये वेक्टर जा रहा है बिल्कुल ऐसे ही मैं नीचे कॉपी कर दूँ,
कर दिया, ये आ गया फर्स्ट वेक्टर। अब इसको हेड टू टेल रूल क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि जो नेक्स्ट वेक्टर, जो सेकंड वेक्टर है उसको हम उठा के फर्स्ट के हेड पे रख देंगे और बिल्कुल उसी डायरेक्शन और उसी मैग्नीट्यूड में बनाएंगे। ये मैंने बना दिया, देखो ये बिल्कुल वेक्टर नंबर टू की तरह बनाया मैंने, डायरेक्शन भी वही है, मैग्नीट्यूड भी तकरीबन वही है। अब हम लेंगे थर्ड वेक्टर और थर्ड को इसके हेड पे रख देंगे। नई बात, क्योंकि हम हेड को टेल से जोड़ रहे हैं इसलिए बच्चों इसको हम कहते हैं हेड टू टेल। फिर अगले के हेड को थर्ड के टेल से जोड़ देंगे, थर्ड के हेड को फोर्थ के टेल से जोड़ देंगे अगर फोर्थ होता तो। अब इसका रिजल्ट कहाँ पर आएगा, इसका रिजल्ट कहाँ पर आएगा, याद रखिएगा इसको सम जब करेंगे बच्चों तो इसका रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट भी एक वेक्टर ही होगा। वेक्टर्स को ऐड करके जो आंसर आता है वो भी एक वेक्टर ही होता है। क्या जबरदस्त इंफॉर्मेटिव हमें बात पता चली कि जब हम वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो इन द रिजल्ट वी आल्सो हैव अ वेक्टर। जस्ट लाइक जब हम टाइम को टाइम में ऐड करेंगे तो आंसर में भी टाइम ही मिलेगा हमें, 3 seconds प्लस 4 seconds विल बी 7 seconds, इट मीन्स वो स्केलर ही है। इसी तरीके से वेक्टर्स को ऐड करने से आंसर में भी वेक्टर आएगा। अब वेक्टर है तो वो भी एरो होगा, तो वो एरो कहाँ से कहाँ तक होगा, तो याद रखिएगा रिजल्ट कहाँ से, फर्स्ट के टेल से स्टार्ट होता है और लास्ट के हेड तक चलता है, ये होगा बच्चों हमारा रिजल्ट, इसलिए हमने इसको आर नाम दे दिया। जब हमने वेक्टर नंबर 1, वेक्टर नंबर 2, वेक्टर नंबर 3 ऐड किया तो आ गया रिजल्ट। अब देखो देखने से वाजे है बुशरा फाइक एंड ऑल द स्टूडेंट्स कि इसको हम सिंपल 1 + 2 + 3 करके नहीं निकाल सकते, हमें दिखने में ही छोटा लग रहा है। 1 + 2 + 3 करेंगे तो आंसर हमारे पास 6 आएगा, लेकिन आर की लेंथ हमें 6 नहीं दिख रही, कुछ 4 के आसपास दिख रही है। इसका मतलब है वेक्टर्स को हम सिंपली ऐड नहीं कर सकते बच्चों। ये तो खैर 1 2 3 मैंने नाम दिए, मैं कह रहा हूँ तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, लेट्स से मैं इनका मैग्नीट्यूड भी बना देता हूँ। मैं इसी के अंदर इनका मैग्नीट्यूड ऐड कर देता हूँ कि ये था 4, ये था 4 और ये था 5, 4 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन। इट मींस यहाँ पर आ गया 4 न्यूटन, फिर हमने यहाँ पर ब्रेक दिया 4 न्यूटन सेकंड वेक्टर और यहाँ पर आ गया 5 न्यूटन। क्या आपको रिजल्ट जो है वो 4 + 4 + 5 लग रहा है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा हमें, छोटा लग रहा है ये। 4 + 4 8 होगा और 8 और 5 कितना होगा, 13 होगा। हमें लग रहा था कि शायद इसका आंसर 13 आएगा बच्चों ऐड करने से, याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इसका रिजल्ट कैसे आएगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, हम इसकी लेंथ मेजर कर लेंगे। एक मिनट स्क्रीन ड्राइंग के मन को ऐड करवा, अच्छा कुछ बेटा हम यहां से लेके यहां तक इसको मेजर कर लेंगे, और जब स्केल से मेजर करोगे ना बच्चों तो इसका आंसर कुछ आ रहा होगा मेरे ख्याल से 6 या 4 या 5 ऐसा कुछ आंसर आएगा, 18 नहीं आएगा। इसकी एक और मिसाल बता दूं मैं आप लोगों को, एक बंदा पहले स्टार्ट लिया यहां पर गया, ये हो गया पहला वेक्टर, 5 स्टेप्स, 5 मीटर चला। अब मैं डिस्प्लेसमेंट की मिसाल देके समझा रहा हूँ, पहले मैं फोर्स की मिसाल दे रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर यहां से गया वो ऊपर, स्ट्रेट ऊपर, फिर गया 5 न्यूटन, तो 5 मीटर्स, फिर वो यहां से आ गया इस डायरेक्शन में और फिर आ गया 5 मीटर। अब आपसे कोई बोले उसका रिजल्ट क्या आएगा, तो रिजल्ट हमने कैसे देखा था, मैं फिर बता रहा हूं, रिजल्ट में भी वेक्टर आएगा, रिजल्ट में भी वेक्टर आएगा, यानी कि वो भी एक एरो होगा। वो एरो स्टार्ट कहाँ से होगा, फर्स्ट के टेल से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पर होगा, लास्ट के हेड पे खत्म होगा, ऐसे समझ आ गई बात। अब अगर कोई बुशरा से पूछे कि बुशरा भाई इसकी लेंथ कितनी है, यहां से लेके यहां तक लेंथ कितनी है, तो बुशरा कहेगी अगर हम सिंपल स्केलर पढ़ रहे होते तो 5 + 5 + 5 कर देते,
आंसर 15 आ जाता, लेकिन हम स्केलर नहीं, हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, तो हमें इसमें सिंपली ऐड नहीं करना होता। और मजे की बात बताऊं आप लोगों को बच्चों के, अभी इसका आंसर 5 ही आएगा, देख रहे हो आप, क्योंकि ये स्क्वायर बन गया ना पूरा एक। मैं सही से डायग्राम बना नहीं पाया, लेकिन आप इसको अगर एक्यूरेट बनाओगे तो ये एक स्क्वायर बनेगा ऐसे, और स्क्वायर की जितनी ये वाली साइड होती है उतनी ही ये ऑपोजिट साइड होती है 5। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई बच्चों? और ये वाली बात समझ में आ गई कि वेक्टर्स में सिंपली ऐड क्यों नहीं करते हम लोग, क्योंकि वेक्टर में बच्चों डायरेक्शन भी मैटर करती है। और आपको मजे की बात बताऊं, कभी कभी ऐसा होता है कि सारे वेक्टर ऐड करके आंसर 0 भी आ जाता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा पहले यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, और फिर वापस वहीं पर आ गया। अब आपसे कोई पूछे कि इसका रिजल्ट क्या है, आप बोलेंगे सर इसका कुछ भी रिजल्ट नहीं, वो जहां से स्टार्ट हुआ था वहीं पर आके खत्म हो गया। समझ में आ रही है बात? इसका रिजल्ट 0 आएगा, 0 भी आ सकता है रिजल्ट, किसी वेक्टर का रिजल्ट 0 भी आ सकता है। क्लियर है बच्चों? अब एक और केस देख लेते हैं, एक और चीज सीख लेते हैं। मैं वेक्टर्स को नाम दे रहा हूँ बेटा, 1, 2, 3, 4। इसमें से रिजल्ट कौन सा है? इनमें से एक रिजल्ट है, जो पहले मैंने केस बताया था उसमें रिजल्ट नहीं था, लेकिन इनमें से एक रिजल्ट है, उसकी क्या पहचान है? हमें कैसे पता चलता है कि इनमें से कौन सा वेक्टर रिजल्ट वाला वेक्टर है? पहले तो हम खुद बनाते हैं ना, अब यहाँ पर बना हुआ ऑलरेडी, इसमें से रिजल्ट कौन सा है? तो बच्चों याद रखिएगा, मैंने बताया था कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है बच्चों, उसकी खास बात क्या होती है कि उसकी टेल जो है वो टेल से मिल रही होती है, और उसका हेड जो है वो हेड से मिल रहा होता है। जैसे मैं वेक्टर नंबर 1 की बात करूं तो इसकी टेल तो टेल से मिल रही है, ये देखो इसकी टेल टेल से तो मिल रही है, लेकिन वेक्टर नंबर 1 का हेड जो है वो हेड से नहीं मिल रहा, वो वेक्टर नंबर 2 की टेल से मिल रहा है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स वेक्टर नंबर 2 को एनालाइज करते हैं, वेक्टर नंबर 2 को एनालाइज करो तो वेक्टर नंबर 2 का हेड भी हेड से नहीं मिल रहा, वेक्टर नंबर 2 का हेड भी हेड से नहीं मिल रहा बच्चों, ये देखो, और टेल भी टेल से नहीं मिल रही, हेड जो है वो टेल से मिल रहा है और टेल जो है वो हेड से मिल रही है, हो गया ना चेंज। इसी तरीके से अब हम एनालाइज करते हैं वेक्टर नंबर 3 को, वेक्टर नंबर 3 का टेल टेल से नहीं मिल रही, हेड हेड से मिल रहा है, तो इसकी एक कंडीशन पूरी हो रही है, एक अभी भी पूरी नहीं हो रही, इसका मतलब है वेक्टर नंबर 4 ये होगा हमारा रिजल्ट। देखो कैसे वेक्टर नंबर 4 हमारा रिजल्ट कैसे होगा, क्योंकि वेक्टर नंबर 4 की टेल जो है बच्चों वो टेल से मिल रही है और हेड जो है वो किससे मिल रहा है, हेड से मिल रहा है, इसका मतलब है वेक्टर नंबर 4 रिजल्ट है हमारा। तो जो हमारा पंद्रह चलना स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, अब हमें समझ में आया, हमारा बंदा यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, यहाँ पर आया और यहाँ से वो यहाँ चले गया, और हमने रिजल्ट कहाँ से कहा, यहाँ पे। क्लियर है बच्चों? इस तरह की एक और एग्जांपल दूं और आप लोग बताइएगा इसमें रिजल्ट क्या है।
अब मुझे बताइए इसमें से रिजल्ट कौन सा। कंडीशन मैंने आपको बता दी, चेक कैसे करते हैं कंडीशन, बच्चों मैं आपको बता चुका हूँ कि चेक कैसे किया जाता है। एक स्टूडेंट ने आंसर दिया है और आई गेस बुशरा ने दिया है। फाइक एक आंसर दो, आप तो दो आंसर दे रहे हो, कोई एक आंसर बताओ। उस्मान ने दे दिया आंसर, बुशरा ने दे दिया। बच्चों क्योंकि टू एक, वेरी गुड अंशरा, टू एक वेक्टर है, टू एक वेक्टर है, नंबर टू वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसकी टेल टेल से मिल रही है और जिसका हेड किससे मिल रहा है, हेड से मिल रहा है। फाइक नंबर वन इसलिए नहीं है कि उसकी टेल तो टेल से मिल रही है लेकिन हेड हेड से नहीं मिल रहा, हेड टेल से मिल रहा है। अगर टेल और हेड में कंफ्यूजन है तो मैं फिर बताया था हेड और टेल किसको बोलते हैं। ये एक वेक्टर है, इसका एरो जो होता है एरो हेड, ये हेड कहलाता है और ये वाली साइड इसकी टेल कहलाती है। ठीक है, आज हमने सीख ली हेड टू टेल रूल, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, और हमें पता चल गया कि हेड टू टेल रूल में क्या करते हैं, पहले का हेड दूसरे के टेल से, दूसरे का हेड तीसरे के टेल से, तीसरे का हेड चौथे के टेल से, और इस तरीके से हम ऐड करते रहते हैं। और फिर रिजल्ट कैसे निकालते हैं, रिजल्ट में जो वेक्टर बनता है वो फर्स्ट की टेल से स्टार्ट होता है, पहले का हेड दूसरे के टेल से, दूसरे का हेड तीसरे के टेल से, तीसरे का हेड चौथे के टेल से। और रिजल्ट कैसे बनेगा, मैं रेड से बना रहा हूँ, जो फर्स्ट की टेल से स्टार्ट होगा और लास्ट के हेड पे खत्म होगा। आपसे कोई पूछे इसकी वैल्यू कैसे बताएंगे, तो हमने सिर्फ बना के दिखाया, तो आप कहेंगे हम स्केल से मेजर करके बताएंगे, हम कोई फॉर्मूला से नहीं बताएंगे, हम स्केल से मेजर करके बताएंगे इसकी लेंथ कितनी आ रही, ठीक है। और उसकी डायरेक्शन कैसे बताएंगे, डायरेक्शन भी हम लोग डी से रख के मेजर कर लेंगे कि कितने एंगल पे आ रहा है। अगर सीधा ऊपर जा रहा है तो नॉर्थ कह देंगे, अगर राइट जा रहा है तो ईस्ट बोल देंगे, अगर डाउन साइड जा रहा है तो साउथ कह देंगे, और लेफ्ट साइड जा रहा है तो वेस्ट। इसके अलावा अगर कहीं जा रहा है, मिसाल के तौर पर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, तो फिर हमें, जी जी बेटा मीटिंग टाइम एंड होने वाला है, आई होप स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको टॉपिक। हमारा मीटिंग टाइम ऑलमोस्ट एंड है बच्चों, सिर्फ एक चीज मैं यहाँ बता दूं आपको कि हमने जो सेकंड स्टेप छोड़ा था जिसमें हमने परपेंडिकुलर वेक्टर्स पढ़ने थे, ये आसान है, इसमें सिर्फ दो वेक्टर्स होंगे बच्चों, और दो को हम क्या करेंगे, उसी हेड टू टेल रूल से ऐड कर देंगे ऐसे, और इस केस में हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगा, ये आ गया रिजल्ट हमारा। और जब राइट ट्राइंगल बनेगा, 90 डिग्री वाले ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं बच्चों, राइट ट्राइंगल बनेगा तो उसमें हम लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम, जो क्या होता है हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो बस ये और भी आसान है, यानी कि ये वाला केस और भी आसान है, ये बहुत जल्दी कवर अप कर लेंगे, ठीक है। हेड टू टेल रूल से ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें दो तीन वेक्टर थे, इसमें सिर्फ दो ही वेक्टर है। बस इसके लिए हमें थोड़ी सी ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको अलग से करवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आपका मीटिंग टाइम ऑलमोस्ट एंड है बेटा, नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को कोई चीज समझ में ना आए तो पूछ ले बेटा, आप लोग पूछ सकते हैं। You can raise your hand and I can unmute you, then you can ask the question or you can just simply write in the chat option.
anyone has any question, you can just ask me, Dika. Okay, so how many students are here with us right now? Anshara hai, Bushra hai, Hassan hai, Faik hai, Usman hai. ठीक है स्टूडेंट्स, तब हम नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे जो इसी वीक है. और आपका टेस्ट मैनेजर बेटा चेक करते रहेंगे क्योंकि आपका टेस्ट भी होगा, एक टेस्ट उस पर अनाउंस कर दिया जाए. ठीक है, आसान टेस्ट होगा, बहुत आराम से आप लोग कवर कर लेंगे उसको अटेम्प्ट, कोई टेंशन की बात नहीं. ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिएगा सब लोग, अल्लाह हाफिज़. Bushra, we will announce. Don't worry.